प्रकृति की अनुपम देन नागौरी बैलों का तो राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास में विशेष योगदान है। इस नस्ल के बैलों की मूल उत्पत्ति श्वालक क्षेत्र मानी जाती है। श्वालक क्षेत्र की दुमट मिट्टी और यहां पैदा होने वाली ज्वार इस नस्ल को विशिष्टता प्रदान करती है। राजस्थान की पशुधन संपदा का बड़ा हिस्सा मिलता है यहां के नागौर अंचल में। पशुधन संख्या की दृष्टि से नागौर जिला राजस्थान में चौथे पायदान पर है। महाकवि वृंद और कृष्ण भक्त मीरा जैसी विभूतियों की जन्मस्थली नागौर क्षेत्र आज कृषि और पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में अग्रणी बन गया है। स्पष्ट है कि चाहे कृषि क्षेत्र की विकास गाथा हो या यहाँ की लोक संस्कृति, नागौरी गौवंश के बिना सब अधूरा सा है। कृषि में हासिल उपलब्धियों के पीछे है नागौरी बैलों की अहम भूमिका। नागौरी बैल जो अमूमन सफेद रंग के होते हैं, जिनका सीना मजबूत होता है और जिनकी आंखों में विशेष प्रकार की चमक होती है। खूबसूरत कदकाठी वाले इन बैलों की गर्दन चुस्त मुदान कसा हुआ, पूंछ अपेक्षाकृत छोटी लेकिन बहुत सुंदर वेणी जैसी, सींग छोटे लेकिन सुडौल, टांगे पतली, मुंह छोटा और मुलायम त्वचा नागौरी बैल का परिचय है।